हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर आकाश बोहरे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेशन पे हम बात करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्टीरअप्स के बारे में, रेक्टेंगुलर स्टीरअप का कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल निकाला जाता है, कैसे IAS कोड का जो रेफरेंस है उसको लेकर आज हम पूरा का पूरा एक स्टीरअप का BBS सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बार बेंडिंग शेड्यूल से रिलेटेड आपको सीखना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल पे मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट को जाकर चेक नहीं करते, वो इसी वजह से क्योंकि आपने चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकॉन दबा ले, ताकि जो प्लेलिस्ट के वीडियोज़ हैं मैं नए वीडियोज़ आपके लिए लाता हूं तो उसका अपडेट आपको पहले से ही मिल जाए। तो आइए गाइस, देरी ना करते हुए चालू करते हैं आज का जो सेशन, वो स्टीरअप्स डिटेल्स। क्लियर, स्टीरअप्स डिटेल्स कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, BBS किस तरह से निकाला जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक हम देखते हैं, एक हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, रेक्टेंगुलर कॉलम जिसका साइज है 300x250 हमारे पास कॉलम का साइज है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो लेंथ यहाँ पर 300 और ये 250, अब इसमें जो स्टीरअप्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा, स्टीरअप्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टीरअप का सेंटर लाइन मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर से यहाँ पर मार्किंग की, जो आपको स्टीरअप्स का सेंटर लाइन मार्किंग दिखाता है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो अगर मुझे इस रेक्टेंगुलर का साइज निकालना है तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि इसके इस पार्ट के सेंटर से इस पार्ट के सेंटर तक की वैल्यू को हम ए मानते हैं, क्लियर। सिमिलरली जब मैं बात करूं इस के सेंटर से यहां के सेंटर तक की वैल्यू को हम बी कंसिडर करते हैं, क्लियर। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है यहां पर 8 हैश यानी कि 8 mm डाया का स्टीरअप यहां पर यूज हुआ है, 2 LGST यानी कि 2 legged स्टीरअप एट द रेट 130 सेंटर टू सेंटर, 130 सेंटर टू सेंटर के स्पेसिंग में स्टीरअप्स यहां पर लगे हुए हैं। तो जब मुझे यहां पर फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि 8 hash का जो यहां पर स्टीरअप है उसका कटिंग लेंथ क्या होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ए और बी की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए, तो टोटल हमारा 300 डिस्टेंस है, 300 लिखा हमने, माइनस यहां पर कवर लगेगा दोनों साइड ए डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, और एक कवर की वैल्यू कितनी है 40 mm, क्यों, क्योंकि कॉलम के लिए कवर यूज हो रहा है, यहां पर रेक्टेंगुलर कॉलम लिखा हुआ है, कवर कितना है हमारा 40 mm, तो दोनों साइड से 40-40 माइनस होगा कवर के लिए, तो यहां पर भी 40 माइनस और यहां पर भी 40 माइनस। अब हमें कहां जाना है, सेंटर पर जाना है, स्टीरअप के सेंटर पर। तो सेंटर पर जाने के लिए जो हमारा टोटल डाया है वो कितना 8 mm यहां पर गिवन है हमें, इस 8 mm में हाफ डाया यहां से और हाफ डाया यहां से माइनस करना होगा, तभी मैं इस सेंटर टू सेंटर तक के डिस्टेंस पर पहुंच पाऊंगा। तो यहां पर मैंने किया -4 और -4, जो मेरा ए का वैल्यू आया वो आया 212 mm, क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहां पर भी मैंने देखा 40 mm का कवर यहां भी आएगा, यहां पर भी 40 mm कवर, उसके बाद हाफ डाया ऊपर से, हाफ डाया नीचे से सेंटर टू सेंटर जाने के लिए, तो 250 - 40 तो बोथ साइड कवर, -4 - 4 हाफ हाफ डाया बोथ साइड, तो यहां से जो मेरा आंसर आता है वो आता है 162 mm। अब मेरे पास ए और बी का वैल्यू निकल चुका है, तो अब इससे जब मुझे कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, 2 into a + b, 2 into a + b कौन सा फॉर्मूला होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा, क्योंकि मुझे यहां पर पेरीमीटर चाहिए पूरा सेंटर टू सेंटर। उसके बाद क्या आता है हमारा हुक लेंथ, यहां पर कितने हुक है हमारे, 2 हुक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हुक लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि हुक लेंथ में कितने डिग्री के लिए यहां पर बेंड हुए हुक, तो इस केस में जो हुक का बेंड है वो है 135 डिग्री में हुक बेंड हुए हैं। अब जब 135 डिग्री पे हुक बेंड होते हैं तो उसकी हुक लेंथ क्या होती है उसको समझना जरूरी है। मैं आपको एक IAS कोड का रेफरेंस दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं IAS कोड 25021931 पेज नंबर 13 पर आप देखेंगे, यहां पर रेक्टेंगुलर स्टीरअप हमारा गिवन है, ये 135 डिग्री का हुक है और ये 90 डिग्री का हुक है। यहां पर आप वैल्यू देखिए 2 into a + e, क्लियर, यहां पर a इस लेंथ को और e इस लेंथ को लिया गया है,
2 into a plus e plus 24d यहां पर गिवन है, 24d 135 डिग्री के लिए। अब 24d यानी कि 12d एक हुक प्लस 12d, तो कितना हो गया टोटल 24d हो गया। सिमिलरली यहां पर देखिए जहां 90 डिग्री का बेंड है वहां पर 2 into a plus b plus 20d यानी कि 10d प्लस 10d, तो यहां पर जो हमारी वैल्यू है वो कितनी आएगी 20d, यानी कि दोनों हुक एक हुक 10d अगला हुक भी 10d, तो 135 डिग्री के लिए 12d और 90 डिग्री के लिए 10d हम हुक की वैल्यू लेते हैं। तो उस केस में अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो सिमिलरली जैसे मैं इन वैल्यूज को पुट करके यहां पर डालता हूं कटिंग लेंथ के फॉर्मूले में, 2 into a का वैल्यू 212 प्लस 162 प्लस हुक लेंथ कितना है, कितने हुक है सबसे पहले तो दो हुक, एक हुक ये और एक हुक ये, तो 2 into एक हुक की लेंथ 12d क्योंकि 135 डिग्री का बेंड है, तो 12 into डायमीटर ऑफ बार दैट इज 940 mm हमारा कटिंग लेंथ आता है अगर हम सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करते हैं तो। अब यहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स को डाउट होगा, क्वेश्चंस होगा कि सर बेंड डिडक्शन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बेंड डिडक्शन क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया आईएएस कोड के रेफरेंस पर क्लियरली यहां पर बेंड डिडक्शन कहीं भी मेंशन नहीं है। बेंड डिडक्शन कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके साइट के कंडीशंस पर, क्या वहां पर बेंड डिडक्शन फॉलो करके कटिंग लेंथ निकाला जाता है क्या, हर साइट के अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से सारी चीजें होती है। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल पे जानकारी लेनी है, डिटेल पे सीखना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स या गुरुजी का खजाना कोर्स, जहां पर आप सारी चीजें बिल्डिंग का कंप्लीट एस्टिमेशन, क्यूएस, आरए, बिलिंग, बीबीएस, ऑटोकैड, रेविट, टी टेस्ट, बहुत सारी चीजें आप हमारे साथ ट्रेनिंग पे सीखते हैं। अगर आपको ये सारी चीजों की जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9111001234, कॉल करिए, काउंसलर से बात करिए, ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही अवेलेबल रहता है, इसी वजह से काउंसलर से बात करिए और जानिए हमारे साथ कैसे आप ट्रेनिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिटेल पर सीख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है थीम है, सारी चीजें मैंने वहां पर पूरी डिस्कस की हुई इलैबोरेटेड वे में, क्योंकि यूट्यूब पर एक वीडियो में हम इतनी सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो इंजीनियर्स, अगर आप ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हो और अलग अलग, अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर की, अभी हमने बात की सर्क्यूलर, डायमंड शेप, ट्राइंगल शेप और अलग अलग पोजिशन, जैसे कि इस तरह की पोजिशंस भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं हमारे साथ पूरी की पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कॉल जरूर करिएगा 9111001234 में, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए कि कहाँ आप ऐसे सिविल इंजीनियर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और कैसे सिविल गुरुजी के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप कॉल जरूर करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारी जानकारी और डिटेल्स ले सकते हैं। सो इंजीनियर्स, इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।